हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि बारिश के मौसम में जो मॉनसून चल रहा है इस टाइम आपको कुछ शॉपिंग जरूरी है वो करनी चाहिए आपको गार्डनिंग के लिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत खर्चा नहीं होने वाला है आपका, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मार्केट से इस टाइम खरीदनी चाहिए अगर आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो गार्डन को। तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या है कि बारिश के मौसम में पौधों को जो एनपीके देना बहुत अच्छा रहता है, तो आप मार्केट से जो है एनपीके 19 19 19 ले आए, किसी भी ब्रांड के लाएँ। मेरा ये मत देखें कि मैं किस ब्रांड की लाई हूँ, किसी भी ब्रांड की एनपीके 19 19 19 लाएँ। और आजकल मार्केट में ऐसी एनपीके आ रही है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स साथ में होते हैं, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें हो इंक्लूडेड वो वाली एनपीके लेके आए, वो वाला। अगर वो नहीं मिलता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का पाउडर साथ में अलग से मिलता है, वो ले आए, तो वो जो है वो स्प्रे करना बारिश में बहुत अच्छा होता है पौधों को। और स्प्रे करने के लिए स्प्रे बॉटल भी लेके आए अगर नहीं है आपके पास, तो इसमें आपको एक लीटर में एक चम्मच ये डालना है, आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर डालना है और उसको स्प्रे करना है। देखिए ऐसे, है ना, पौधों पे स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। अच्छा, ये जो आप एनपीके डाल के स्प्रे करेंगे, इस स्प्रे में आप थोड़ा सा ये फंजीसाइड पाउडर डालें, आधा चम्मच एक लीटर में, और ये फंजीसाइड पाउडर भी आपको लाना, ये मतलब ये नहीं, कोई भी फंजीसाइड पाउडर जो भी आपको मिले, वेवस्टीन मिलता है, मैंगोजेब मिलता है ये, लेकिन लाना आपको ऐसा चाहिए जो सिस्टेमिक भी हो और लोकल भी हो। मतलब फंजीसाइड ऐसा होता है कि जो जड़ों में दे दे तो जड़ों के पौधे के सिस्टम के साथ, उनके जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है उसके साथ साथ उसमें पानी के साथ एब्जॉर्ब होके एक एक सेल तक पहुंच जाए, ऐसा लाना चाहिए, उसको कहते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड। वो जरूर होना चाहिए, दोनों मिक्स आते हैं, कई सिस्टेमिक भी होता है और लोकल भी होता है, उसको लोकल कहते हैं या क्या मुझे पता नहीं है, वो शायद लोकल और सिस्टेमिक दोनों कहते हैं उसको। सिस्टेमिक मतलब जो सिस्टम के थ्रू जाता है। इसकी जगह आप ट्राइकोडर्मा भी ला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा जो है वो बायोफंजीसाइड है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। मुझे अभी ट्राइकोडर्मा मिला नहीं, जिस शॉप से मैं लाती हूँ वहाँ अवेलेबल नहीं था, तो मैं साफ ला रही हूँ आजकल कुछ दिनों से। वैसे ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो बायोफंजीसाइड है, तो हमारी सॉइल के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका क्या होता है, कई जो हम ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं ये कई बार कुछ बेनिफिशियल फंगस को भी मार देते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा खुद एक बेनिफिशियल फंगस है, तो वो बेनिफिशियल को नहीं मार के हार्मफुल चीज़ों को ही मारता है, तो वो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज होता है। बाकी साफ भी और मैंगोजेब ये सब भी सब बहुत अच्छे होते हैं। और फिर आपको ये इमीडा क्लोपरेट, मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ इमीडा क्लोपरेट जो है, ये आप बाज़ार से ला सकते हैं। ये भी आप जैसे जब आप ये स्प्रे करें एनपीके, तब आप प्रिकॉशनरी स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधों में, आधा चम्मच एक लीटर में डालें, उसी पानी में जिसमें आपने एनपीके डाला है उसी में आपने फंजीसाइड डाल दिया, उसी में आपने ये पेस्टिसाइड डाल दिया, जिससे पेस्ट नहीं लगेंगे आपके पौधों में। और एक दूसरा आप ये कर सकते हैं कि हमेशा नहीं डालना है, जैसे ये महीने में एक बार डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते फालतू में, तो अगर जिस पौधे में इन्फेस्टेशन है, कुछ लगा हुआ है, उस पौधे में ही डालें, सब में ना डालें, ये भी कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन है। तो इमीडा क्लोपरेट भी आप जरूर ले आए, कई बार मिली बग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, कुछ बहुत चीज़ें लग जाती हैं इस मौसम में आपके पौधे में, तो ये बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, अगर आपको ये भी केमिकल है, अगर केमिकल में नहीं जाना तो एक आता है बोवेरिया बासियाना, आप मेरी जो मैं बोल रही हूँ ये सुन के आप दुकानदार को सुना सकते हो, बोवेरिया बासियाना, उसका मैं शायद डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेलिंग लिख के नाम दे दूँ, बोवेरिया बासियाना ला सकते हो इसकी जगह, वो भी बायो पेस्टिसाइड है, तो वो भी ला सकते हो आप अगर लाना है। और ये तो मैं मीडा लाई हूँ, आजकल मुझे ये ऑर्गेनिक वाले मिलने, मैं कभी कुछ ले आती हूँ कभी कुछ ले आती हूँ, जब कुछ दो चार महीने वो डाल देती हूँ, दो चार महीने ये डाल देती हूँ, ये आसानी से हर जगह मिल जाएगा, वो हर जगह मिलता नहीं है छोटी जगहों पर, बोवेरिया बासियाना, तो ये ले आए आप, नहीं तो अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो अगर
आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक में जाएं, बायो पेस्टिसाइड ही डालें तो वो मंगा सकते हैं आप, नहीं तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। केमिकल क्या है, थोड़े से स्ट्रांग होते हैं तो जल्दी असर करते हैं, तो ये रहता है। और सब्जियों में आप ऑर्गेनिक या बायो पेस्टिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल सब्जियों में भी बहुत कीड़े लगते हैं, ये ले आएँ। और एक ये जो है, आपको ये ज़रूरी नहीं है रूटवेन लाना, जो भी आपको मिलता है रूटिंग हार्मोन लाना है आपको। रूटिंग हार्मोन इसलिए कि अभी ये मौसम है, इसमें हम कटिंग्स लगाएंगे पौधों की, तो रूटिंग हार्मोन तो उसके लिए चाहिए ही होता है। तो कोई भी ऐसा गार्डनर नहीं है जो रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं करता हो, अगर वो कटिंग्स लगाता है तो रूटिंग हार्मोन ज़रूर लाएँ। इससे कटिंग्स ख़राब भी नहीं होती हैं और उनका रूटिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जल्दी रूट्स निकलती हैं। तो ये ले आए। एक आपको मैं चीज़ बताऊंगी कि दालचीनी का पाउडर बना के रख लें आप, दालचीनी ले आए बाजार से, उसका पाउडर बना के ले आए। वो भी आप जैसे पौधों में, अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी, सारे वो भी फंजीसाइड का काम करता है, तो वो दालचीनी का पाउडर भी आप गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, वो बहुत फायदा करता है। दालचीनी का पाउडर एक और फायदा करेगा, जब आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग के ओपन एंड पे दालचीनी का पाउडर लगा दें। अच्छा, फिर मैं कहूंगी आपकी कोई पुरानी नेल पॉलिश पड़ी हुई है अगर, या फेविकॉल आपके पास पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक फेविकॉल भी ले आए छोटा सा। जब आप कटिंग लगाएंगे तो उसका जो ओपन वाला एंड होता है ना, ऊपर वाला कटिंग जैसे हमने लगाई है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल लगा दो तो वो सील हो जाता है। तो उस एंड से ना तो कोई जो खुला एंड होता है ना उस पर बैक्टीरिया फंगस अटैक कर देते हैं, वो भी नहीं करेंगे और मॉइस्चर लॉस भी नहीं होगा। तो वो जरूर ले आए, छोटी सी फेविकॉल ले आए या कोई नेल पॉलिश ले आए, नेल पॉलिश से भी सील हो जाता है, वो ले आए आप। और अभी जो है हमें प्रूनिंग करनी है अपने पौधों की, तो एक प्रूनर अच्छा सा ले लें। प्रूनर अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो प्रूनर ले लें। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जरूर ले लें आप। अभी मैंने यहाँ रखी नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहीं पड़ी होगी अलमारी में, मैं हमेशा रखती हूँ। इतनी सी शीशी आती है प्लास्टिक की, आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना, एक तो आपके ये जो टूल्स हैं, आप कटिंग लेंगे, एक पौधे की कटिंग ली दूसरे की ली, तो बीच बीच में हाइड्रोजन परऑक्साइड से इस टूल को स्टेरिलाइज करते रहेंगे आप, तो इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपके किसी पौधे में कोई ओवर वाटरिंग हो जाती है तो आप उस पौधे को बाहर निकाल के और उसकी जो जड़ें काली काली हो जाती हैं खराब, उन जड़ों को हटा के, उसकी जड़ों को बिल्कुल गली हुई जड़ें हटा के जो हेल्दी जड़ें बची हैं उनको हाइड्रोजन परऑक्साइड से वॉश करें, तो वो बहुत अच्छा रहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। या फिर जो आप कटिंग्स लेते हैं वो जिस पानी में डालते हैं उसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दें, तो कटिंग जब हम ग्रो करेंगे उससे पहले उसके ऊपर कोई भी फंगस या पेस्ट लगा होता तो वो मर जाए, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जरूर लेके आएँ। और हैंड सैनिटाइज़र भी होना चाहिए एक आपके पास, वो तो मेरे को लगता है सबके घर में पड़ा ही होता है। आप पौधों पे काम करते हैं जब कटिंग वगैरह लगाने लगे तो थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज कर लें, क्योंकि इन दिनों क्या है पौधों पर फंगस पेस्ट भी बहुत होते हैं, कोई आपके हाथ में रह गया तो। कटिंग में जान नहीं होती है, कटिंग में जब तक रूट्स नहीं आएंगे ना तब तक वो बहुत डेलिकेट चीज़ होती है, अगर उसमें तब तक कोई फंगस लग गई या कुछ पेस्ट लग गया तो फिर आपकी कटिंग चलने वाली नहीं है। उसको बिल्कुल आपको अच्छी कंडीशंस में लगाना है, और इस मौसम में अच्छी कंडीशन मिल भी जाती हैं तो कटिंग बहुत जल्दी लगती है, घबराए नहीं इस मौसम में। फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कटिंग लगाने के लिए छोटे छोटे गमले प्लास्टिक के 3-3 इंच 4-4 इंच वाले ला सकते हैं, उसमें पौधों की कटिंग लगा लें अगर आपके पास गमले नहीं है। उनका एक फ़ायदा ये होता है, जैसे आपने 4 इंच के या 2 इंच के छोटे छोटे 2 इंच के भी गमले आते हैं, थोड़े से बड़े लाएँ तो अच्छा है 3 या 4 इंच वाले, उनमें आपने कटिंग्स लगा ली, आपकी कटिंग्स ग्रो कर गई, फिर आपने उन कटिंग्स को ट्रांसफ़र कर दिया अक्टूबर नवंबर में, है ना, फिर उन गमलों को दोबारा से धो के हाइड्रोजन परऑक्साइड के पानी में अच्छी तरह वॉश करके, पहले सरफ से फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड में वॉश करके सुखा के उन गमलों को आप रख लें, फिर जब आपको कभी दोबारा कटिंग लगानी है तो फिर आप उसको यूज़ कर लें। तो ऐसे आप एक बार कटे वो भी ला सकते हैं। अच्छा, नर्सरीज में इस बार पौधे मिलते हैं खूब सारे, तो पौधे ये भी शॉपिंग की चीज़ है, नर्सरी में बहुत सारे पौधे मिलते हैं तो इस मौसम में आप पौधे ला सकते हैं। ये छोटी छोटी कटिंग्स मिलेंगी इस टाइम आपको लगी हुई, गुलदाउदी की मिल जाएगी और कई पौधे जो हैं जो गर्मी ख़त्म होने के बाद और सर्दी शुरू होने से बीच के जो पौधे होते हैं ना
जैसे टोरेनिया है, जीनिया है, ये सब पौधे हैं, उनकी आपको छोटी छोटी पौध भी मिलेगी मार्केट में, वो आप ला सकते हैं। छोटे छोटे जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं ना, जीनिया और कई प्लांट्स होते हैं, नर्व प्लांट, इनकी छोटी छोटी कटिंग्स आपको ऐसे जो है वो सीडलिंग ट्रे में लगी हुई मिलेंगी। तो ये कटिंग्स आप खरीद के ला सकते हैं इस मौसम में, ये वाली, इनको ला के किसी बड़े गमले में या किसी ऐसे ट्रे टाइप गमले में थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बना के थोड़े दिन उसमें रख लें ला के, फिर 5-10 दिन बाद उसको रिपोर्ट करें थोड़े से बड़े गमले में अगर करना चाहते हैं, क्योंकि जब इसकी जड़ें यहाँ से दिखने लग जाएंगी ना अच्छी तरह, ये रूट बाउंड हो जाती है ऐसी ट्रे, तभी उसको रिपोर्ट किया जाता है। देख लें अच्छी तरह कि अगर उसकी जड़ें पूरी भरी हुई हैं तो फिर उसको आप रिपोर्ट करने करेंगे फिर बाद में। तो इसलिए लाके पहले 5-7 दिन किसी मिट्टी के ऊपर रखनी है, चाहे वो बड़े गमले के बेस में रखनी है या किसी दूसरे गमले में मिट्टी भर के उसके ऊपर रख के, और उस मिट्टी में पानी देना है, इसमें डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि आपको लानी चाहिए बारिश के मौसम में। अगर आपके पास नहीं है तो लाएं, देखिए मेरे पास एक NPK की ये वाली वैरायटी है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स है, मैंने ये भी रख दिया है पास में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम चाहिए होंगी ज़रूरी। एक नीम ऑयल ज़रूर ले आएँ, अगर आपको इमिडाक्लोप्रिड नहीं लगाना है कुछ है, नीम ऑयल जो है वो फंजीसाइड का भी काम करता है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है। ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो नीम ऑयल ले आए। आजकल नीम ऑयल ना मेरे पास अभी पड़ा है, बैकयार्ड में किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। तो वो नीम ऑयल ऐसा आता है जिसमें इमल्सीफायर मिक्स होता है और उसको डायरेक्ट पानी में आपने उसमें तेल मिलाना या शैम्पू मिलाना नहीं पड़ता है, उसको डायरेक्ट आप बस पानी में मिलाएं और स्प्रे कर दें। तो लेकिन नीम ऑयल को आपको जल्दी जल्दी स्प्रे करना पड़ेगा, जैसे कोई वैसे तो प्रिकॉशनरी तो नीम ऑयल महीने में एक बार 20 दिन में एक बार स्प्रे करना ठीक रहता है, लेकिन अगर आपके पौधे में कोई इन्फेस्टेशन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको नीम ऑयल जो है वो अल्टरनेट डे या 2 दिन छोड़ के तब तक स्प्रे करना है जब तक कि वो बीमारी ठीक नहीं हो जाती है पौधे की। जल्दी जल्दी देना पड़ता है, इस अगर जल्दी जल्दी नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि नीम ऑयल वेस्ट चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं करता है। तो इसको जल्दी जल्दी दें अगर पौधे में कुछ बीमारी लगी हुई है, अदरवाइज महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार देना सफिशियंट होता है, प्रिकॉशनरी दे रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चीज़ें जल्दी से जाके ले आए मार्केट से। अब इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है और मुझे अच्छा लगता है कि फन गार्डनिंग फैमिली इतनी बड़ी हो गई, थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। तो बस इसी के साथ फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।